नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका यस टीवी पर। मैं हूँ आपके एंकर ज्योति जो लेकर आई है आपके लिए ये नई लव स्टोरी। एक लड़की थी, वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही ईमानदार थी। उसकी क्लास में एक लड़का रहता था जो अंदर ही अंदर उससे बहुत प्यार करता था, बट कहने से बहुत डरता था। तो एक दिन वह उस लड़की के छोटे मोटे काम करता था, जिससे लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू बोल देती थी तो लड़के खुशी की सीमा नहीं रहती थी। तो एक दिन दोनों ही घर जा रहे थे, अचानक बड़ी तेज बारिश हुई। धीरे धीरे वह उन्होंने एक छोटा सा पेड़ दिखा, वह उसके नीचे गई। पेड़ के अंदर से छोटी छोटी बूंदें नीचे आ रही थी, तो लड़की लड़के के करीब हो गई। लड़की को करीब देखकर लड़के ने लड़की को प्रपोज़ किया। इसी तरह लड़की को भी लड़का बहुत ही अच्छा लगता था, उसने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तो इसी तरह उनका प्यार परवाना चढ़ गया। धीरे धीरे वह बहुत ही घूमने फिरने लगे, प्यार करने लगे। तो एक दिन लड़की लड़के का उसी पेड़ के नीचे इंतज़ार कर रही थी, बट लड़का नहीं आया उसके इंतज़ार में। वह तब जब लड़का आया तो वह निराश होकर बोली कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। तो लड़का बोला कि जान, मैं तो तुम्हारे पास ही रहता हूँ, तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ, यकीन नहीं होता तो अपने दिल से पूछ के देख लो। तो लड़की इसी प्यारी बात पे उससे लिपट गई। तो धीरे धीरे उनका प्यार ऐसे ही कायम रहा। तो एक दिन लड़की ने लड़के को कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो लड़के ने सोचा और बोला कि जान, मैं अपने घर वालों से बात करूँगा और हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। तो अगले दिन लड़का लड़की को उसी पेड़ के नीचे मिलने आया, तभी लड़के ने उदास चेहरे से बोला कि जान, मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है, तो तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। तभी लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, उसको अच्छा नहीं लगा। तभी अचानक से लड़के ने लड़की को कहा कि ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए, लड़के की शादी का दिन आ गया। तभी लड़के ने सोचा कि मेरी दोस्त शादी में ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लड़की का दिया हुआ गिफ्ट उसकी शादी में ज़रूर पहुंच गया। लड़के ने गिफ्ट को खोला और बेहोश हो गया। गिफ्ट में पैक में पता क्या था? खून से लथपथ हुआ दिल, जिसमें एक चिट्ठी लिखी थी कि अरे पागल, ये दिल तो लेता जा, अपनी पत्नी को गिफ्ट में क्या दोगे। तो दोस्तों, ऐसे ही प्यार में कुछ गलतियां होती हैं, कभी हम गलत, कभी हमारे साथी गलत, तो कभी घर वाले गलत। हमें प्यार करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं। तो दोस्तों, प्यार करो, खिलवाड़ नहीं। कैसी लगी आज की आपको ये लव स्टोरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए यस टीवी, चैनल को सब्सक्राइब और करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बाय बाय।